नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सम्मुख प्रश्नोपनिषद लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह उपनिषद अथर्ववेदीय शाखा का एक उपनिषद है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है, परंतु मुख्यतः वेदव्यास जी को उपनिषदों का लेखक माना जाता है। आइए हम आपको इसकी विषय वस्तु से एक परिचय करवाते हैं। सुकेशा सत्यकाम शौर्या यणि गार्ग्य कौशल्य भार्गव और कबंधी ने इन छह जिज्ञासुओं ने ब्रह्म निरूपण की अभ्यर्थना के लिए आचार्य के आदेश पर वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करके अलग अलग एक एक प्रश्न किए। महर्षि पिपलाद ने इनका सविस्तार उत्तर दिया। इन उत्तरों के सहित इन छह प्रश्नों के नाम का यह उपनिषद पूरक बतलाया जाता है। इसके प्रथम तीन प्रश्न तो अपरा विद्या और परा संबंधी है। प्रथम प्रश्न प्रजापति के रथी और प्राण की ओर से सृष्टि की उत्पत्ति बतलाकर आचार्य ने द्वितीय प्रश्न में प्राण के स्वरूप का निरूपण किया और समझाया कि वह स्थूल देह का प्रकाशक है और सब इंद्रियों से श्रेष्ठ है। तीसरे प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति तथा स्थिति का निरूपण करके पिपलाद ने कहा कि मरण काल में मनुष्य का जैसा संकल्प होता है, उसी के अनुसार प्राण विभिन्न लोकों में प्रवेश हो जाते हैं। चौथे प्रश्न में पिपलाद ने निर्देश दिया कि स्वप्नावस्था में स्रोत्रादि इंद्रियों के मन में लय हो जाने पर प्राण जागृत रहता है तथा सुषुप्ति अवस्था में मन का आत्मा में लय हो जाता है। वही दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता इत्यादि है, जो अक्षर ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है। इस ज्ञान को होने पर मनुष्य स्वयं सर्वज्ञ सर्वस्वरूप और परम अक्षर हो जाता है। पांचवें प्रश्न में ओंकार में ब्रह्म की एकनिष्ठ उपासना के रहस्य को बतलाया गया है। अंतिम छठे प्रश्न में आचार्य पिपलाद ने बताया कि इसी शरीर के हृदय में 16 कलात्मक पुरुष का वास है। ब्रह्म की इच्छा एवं उसी से प्राण, उसी से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न से तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम उत्पन्न हुए हैं और जिनकी 16 कलाएं और सोपाधिक स्वरूप हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप का लय उसमें कर देती हैं, इसी प्रकार आत्मा भी ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को पहचान कर नाम रूपात्मक इन कलाओं से मुक्त होकर निष्फल तथा निष्कल हो जाती है। तो आइए अब विस्तार से सुनते हैं प्रश्नोपनिषद। परंतु इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का विकल्प भी अवश्य चुनें। शांति पाठ। हे देवगण, हम कानों से कल्याण में वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हित कर आयु का भोग करें, त्रिविध ताप की शांति हो। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करें, परम ज्ञानवान कुशा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों के लिए चक्र के समान घातक है वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करें, त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथम प्रश्न। भरद्वाज नंदन सुकेशा शिवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ शौर्यायणी अश्वल कुमार कौशल्य विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के पोते का पुत्र कबंधी ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर छह ऋषिगण परम ब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिपलाद के पास यह सोचकर गए कि वह हमें ब्रह्म के विषय में सब कुछ बतला देंगे, हाथ में समीघा लेकर भी गए। कहते हैं ऋषि पिपलाद ने उनसे कहा, तुम तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो, फिर अपने इच्छा अनुसार प्रश्न करना। यदि मैं जानता हूंगा तो तुम्हें सबके उत्तर दे दूंगा। तदनंतर एक वर्ष गुरुकुल वास करने के पश्चात
कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के पास जाकर पूछा, भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? पिपलाद मुनि ने उत्तर दिया, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। निश्चय आदित्य ही प्राण है और रई ही चंद्रमा है। यह जो कुछ मूर्त और अमूर्त अर्थात स्थूल और सूक्ष्म है सब रई ही है, अतः मूर्ति ही रई है। जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरण में धारण करता है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और अवांतर दिशाओं को प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सब के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। वह यह भोक्ता वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है, यही बात ऋक ने भी कही है। सर्वरूप रश्मिवान ज्ञान संपन्न सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्मा रूप से जाना है। यह सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं के प्राण से उदित होता है। सवत्सर ही प्रजापति है, उसके दक्षिण और उत्तर दो आयान हैं। जो लोग इष्टापूर्व रूप कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वे चंद्रलोक पर ही विजय प्राप्त करते हैं और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये संतान इच्छु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पितृयान है वही रही है, तथा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है और यही प्रागति है। इससे फिर नहीं लौटते, अतः यही निरोध स्थान है। इस विषय में यह अगला मंत्र है। अन्य काल वेतागण इस आदित्य को पांच पैरों वाला सबका पिता बारह आकृतियों वाला पुरीसी और द्युलोक के प्रारब्ध में स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छह अरे वाले में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं। मास ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रही है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ये प्राणोपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नोपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। दिन रात भी प्रजापति है, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रही है। जो लोग दिन के समय रति के लिए संयुक्त होते हैं वे प्राण की हानि करते हैं और जो रात्रि के समय रति के लिए संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है। अन्न ही प्रजापति है, उसी से यह वीर्य होता है और उससे ही यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे मिथुन को प्राप्त होते हैं, जिनमें की तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनसे सत्य स्थित है उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जिनमें कुटिलता और कपट नहीं है उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। द्वितीय प्रश्न भार्गव ने किया कि प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण हैं। तदनंतर उन पिपलाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं? तब उससे आचार्य पिपलाद ने कहा, वह देव आकाश है, वायु अग्नि जल पृथ्वी वाक मन और चक्षु ये सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। एक बार सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम हो को प्राप्त मत हो, मैं ही अपने को पांच प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ, किंतु उन्होंने इसका विश्वास ना किया। तब वह अभिमान पूर्वक मानो
ऊपर को उठने लगा। उसके ऊपर उठने के साथ सब ऊपर उठने लगे तथा उसके स्थित होने पर सब स्थित हो जाते। जिस प्रकार मधुकराज के ऊपर उठने पर सभी मक्खियां ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जाने पर सभी बैठ जाती हैं, उसी प्रकार वाक, मन, चक्षु और स्रोत भी प्राण के साथ ही उठते और प्रतिष्ठित होने लगे। तब वे संतुष्ट होकर प्राण की स्तुति करने लगे। यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही इंद्र और वायु है, तथा यह देव ही पृथ्वी, रई और जो कुछ सत, असत एवं अमृत है वह सब कुछ है। जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋक, यजु, साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित हैं। हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में संचार करता है और तू ही जन्म ग्रहण करता है। यह मनुष्य आदि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है, क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ रहता है। तू देवताओं के लिए वहितम है, पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है और अथर्वांगी रस ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों के लिए सत्य आचरण है। हे प्राण, तू इंद्र है, अपने संहारक तेज के कारण रुद्र है और सब ओर से रक्षा करने वाला है। तू ज्योतिर्गण का अधिपति सूर्य है और अंतरिक्ष में संचार करता है। हे प्राण, जिस समय तू मेघ रूप होकर बरसता है, उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यह समझकर कि यह सब यथेच्छ अन्न होगा, आनंद रूप से स्थित होती है। हे प्राण, तू व्रात्य, एकर्षी नामक अग्नि, भोक्ता और विश्व का सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देने वाले हैं। हे वायो, तू हमारा पिता है। तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो स्रोत्र, नेत्र और मन में व्याप्त है, उसे तू शांत कर, तू उत्क्रमण ना कर। यह सब तथा स्वर्ग लोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। तीसरा प्रश्न। तदनंतर उन पिपलाद मुनि से अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा, भगवान, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, किस प्रकार इस शरीर में आता है तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है, फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है और किस बाह्य एवं आभ्यंतर शरीर को धारण करता है। तब उससे पिपलाद आचार्य ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है, परंतु तू बड़ा ब्रह्मवेता है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से यह छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण व्याप्त है तथा यह मनोकृत संकल्प आदि से शरीर में आ जाता है। जिस प्रकार सम्राट ही तुम इन ग्रामों में रहो इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह प्राण ही इंद्रियों को अलग अलग नियुक्त करता है। वह प्राण और उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है तथा मुख और नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं स्थित होता है तथा मध्य में समान रहता है। यह समान वायु ही खाए हुए अन्न को संभाव से ले जाता है और प्राणाग्नि से ही दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासा रंध्र और एक रसना, ये सात ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। यह आत्मा हृदय में है। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक एक की 100-100 शाखाएं हैं और उनमें से प्रत्येक की 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान संचार करता है तथा इन सब नाड़ियों से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला उदान वायु जीव को पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक को और पाप कर्म के द्वारा पापमयी लोक को ले जाता है तथा पुण्य पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा उसे मनुष्य लोक को प्राप्त करवाता है। निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है।
यह इस चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण किए हुए है। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है। लोक प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज शारीरिक उष्मा शांत हो जाती है वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। जिसका जैसा चित्त संकल्प होता है उसके सहित ही वह प्राण को प्राप्त होता है, तथा प्राण तेज से संयुक्त हो आत्मा सहित संकल्प किए हुए लोक को ले जाता है। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है कि उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती वह अमर हो जाता है। इस विषय में यह श्लोक है, प्राण की उत्पत्ति आगमन स्थान व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद पांच प्रकार की स्थिति जानकर मनुष्य अमृत प्राप्त कर लेता है। चौथा प्रश्न। तदनंतर उन पिपलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग्य ने पूछा, भगवान इस पुरुष में कौन सी इंद्रियां सोती हैं, कौन इसमें जागती हैं, कौन देव को स्वप्नों को दिखाता है, किसे यह सुख अनुभव होता है तथा किसमें यह सब प्रतिष्ठित है। तब आचार्य ने कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजो मंडल में ही एकत्रित हो जाती हैं और उसका उदय होने पर वे फिर फैल जाती हैं, उसी प्रकार वे सब परम देव मन में एक ही भाव को प्राप्त होते हैं। इससे तब वह पुरुष ना सुनता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना चखता है, ना स्पर्श करता है, ना बोलता है, ना ग्रहण करता है, ना आनंद भोगता है, ना मलोत्सर्ग करता है और ना कोई चेष्टा करता है, तब उसे सोता है ऐसा कहते हैं। सुसुप्ति काल में शरीर रूपपुर में प्राण अग्नि ही जागते हैं। यह अपान ही गारह पत्य अग्नि है, व्यान अनवाहार्य पचन है, तथा जो गारह पत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन के कारण आहवनीय अग्नि है, क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियां हैं। उन्हें जो शरीर की स्थिति के लिए संभाव से विभक्त करता है वह समान ऋत्विक है। मन ही निश्चय यजमान है और इष्टफल ही उदान है। वह उदान इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। इस प्रकार स्वप्न अवस्था में यह देव अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है उस देखे हुए को ही यह देखता है, सुनी हुई बातों को ही सुनता है, तथा दिशा विदिशाओं में अनुभव किए हुए को पुनः पुनः अनुभव करता है। यह देखे बिना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किए बिना अनुभव किए, तथा सत और असत सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता है। जिस समय यह मन तेज से आक्रांत होता है उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता, उस समय शरीर में यह सुख होता है। हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाता है उसी प्रकार वह सब कार्य करण संघात सबके उत्कृष्ट आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है। पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा, जल और रस तन मात्रा, तेज और रूप तन मात्रा, वायु और स्पर्श तन मात्रा, आकाश और शब्द तन मात्रा, नेत्र और दृष्टव्य, स्रोत और श्रोतव्य, घ्राण और घ्रातव्य, रसना और रसियत्व, त्वचा और स्पर्श योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण कला योग्य वस्तु, उपस्थ और आनंददायित्व, वायु और विसर्जनीय पाद और गंतव्य स्थान, मन और मनन करने योग्य बुद्धि और बोधव्य, अहंकार और अहंकार का विषय, चित्त और चैतन्य, तेज और प्रकाश पदार्थ तथा प्राण और धारण करने वाला वस्तु, ये सभी आत्मा में लीन हो जाते हैं। यही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोधा और कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष है। वह पर अक्षर आत्मा में
सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है। हे सौम्य, इस छायाहीन अशरीरी अलोहित शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षर को प्राप्त होता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में यह श्लोक है। हे सौम्य, जिस अक्षर में समस्त देवों के सहित विज्ञान आत्मा प्राण और भूत सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ शरीरों में प्रवेश कर जाता है। पांचवा प्रश्न। तदनंतर उन पिपलाद मुनि से सिवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवान मनुष्यों में जो प्राण प्रियाण पर्यंत इस ओंकार का चिंतन करे वह उस ओंकारोपासना से किस लोक को जीत लेता है? उससे पिपलाद ने कहा, यह जो ओंकार है वही निश्चय पर अपर ब्रह्म है, अतः विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वह यदि एकमात्र विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त कर तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएं मनुष्य काल में ले जाती हैं। यहाँ वह तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। और यदि वह द्विमात्र विशिष्ट ओंकार के चिंतन द्वारा मन से एकत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुश्रुतियां अंतरिक्ष स्थित सोमलोक में ले जाती हैं। तदनंतर सोमलोक में विभूतियों का अनुभव कर वह फिर लौट आता है। किंतु जो उपासक त्रिमात्रा विशिष्ट ओम इस अक्षर द्वारा परम पुरुष की उपासना करता है वह तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सर्प जिस प्रकार केंचुली से निकल जाता है उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह साम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और इस जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। इस संबंध में दो श्लोक हैं। ओंकार की तीनों मात्राएं अलग अलग रहने पर मृत्यु से युक्त हैं। वे ध्यान क्रिया में प्रयुक्त होती हैं और परस्पर संबंध तथा अन्वीय प्रयुक्तता अर्थात जिनका विपरीत प्रयोग ना किया गया हो ऐसी हैं। इस प्रकार बहाय अर्थात जागृत, आभ्यंतर अर्थात सुषुप्ति और मध्यम अर्थात स्वप्न स्थानीय क्रियाओं में उनका सम्यक प्रयोग किया जाने पर ज्ञाता पुरुष विचलित नहीं होता। साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विज्ञ जन जानते हों, तथा इस ओंकार रूप आलंबन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है जो शांत अजर अमर अभय एवं सबसे श्रेष्ठ है। छठा अध्याय। तदनंतर उन पिपलाद आचार्य से भारद्वाज के पुत्र सुकेशान ने पूछा, भगवान कोसल देश के राजकुमार हिरण्याभ ने मेरे पास आकर यह पूछा कि भारद्वाज, तू क्या 16 कलाओं वाले पुरुषों को जानता है? तब मैंने उस कुमार से कहा, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे अगर जानता होता तो तुझे क्यों ना बतलाता। जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओर से मूल सहित सूख जाता है, अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। सो अब मैं आपके पास उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है। तब ऋषि आचार्य पिपलाद ने कहा, हे सौम्य, जिसमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही विद्यमान है। उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न से तप, मंत्र, कर्म और लोकों एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियां समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं, इसी प्रकार इस सर्वदृष्टा की ये 16 कलाएं जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है जिसमें रथ की नाभि में अरों के समान सब कलाएं आश्रित हैं,
उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके। इस परम ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूं, इससे अन्य और कुछ मुझे ज्ञात नहीं है। तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा, आप तो हमारे पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्या के दूसरे पार पर पहुंचा दिया है। आप परम ऋषि को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस प्रकार यहाँ प्रश्नोपनिषद भी संपूर्ण हुआ। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।